दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता, और हम अपनी लॉ की क्लासेस, जो इसमें बहुत ही मजा आ रहा है, वो आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब एक्साइटेड है ना? हाँ सर। सर, आज आपने वेलकम वॉरियर्स नहीं कहा। बच्चों, मैं रोज रोज नहीं कहूंगा, आपको खुद वो वॉरियर वाली फीलिंग आनी चाहिए। हाँ ओके सर, हमें आ रही है। तो सर, आप तो हमेशा बोलते थे कि पहले हम रिवाइज करवाएंगे जो हम प्रीवियस क्लास पढ़े, और प्रीवियस क्लास तो हमने सर इतना बड़ा टॉपिक खत्म किया। सर तो रिवाइज करवाइए ना प्लीज। नहीं बच्चों, हम आज पढ़ते हैं, आज बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। नहीं सर, नहीं सर, पहले रिविजन। ओके बच्चों चलो, तो एकदम हाथ वाथ झटको और स्ट्रेट नहीं बैठने का, एकदम आराम से बैठने का है, और मेरे को ध्यान से सुनो, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो हमने कल क्या खत्म किया था? लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। आपको ऑफर का डेफिनेशन याद है? हाँ सर, हमें पूरा याद है। ऑफर को हमने चार पार्ट में तोड़ा था सर, वो याद है। हाँ वो भी याद है। और फिर ऑफर को क्लासिफाई किया था, टाइप्स ऑफ ऑफर हमने देखे थे। क्या क्या थे सर? पांच तरीके के ऑफर थे। क्या क्या थे बच्चों? सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। ओके बच्चों, आप बताओ। सर पहला था जनरल ऑफर, जिसको हम जस्ट इन रेम बोलते हैं। फिर स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर, जिसको हम जस्ट इन पर्सनम बोलते हैं। फिर क्रॉस ऑफर था सर, फिर काउंटर ऑफर था, फिर स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर था। और सर आपने कहा था कि लीगल रूल्स में और दो तरीके के ऑफर हैं, वो है एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। वाह बच्चों वाह, एकदम मस्त पढ़ रहे हो आप। उसके बाद हमने लीगल रूल्स कंप्लीट किए थे। लीगल रूल्स के लिए हमने एक स्टोरी देखी थी साहिल सर वाली। होप कि आपको पूरी स्टोरी याद होगी, क्योंकि अगर स्टोरी याद है तो आप अगर एग्जाम में कोई पॉइंट भूल भी गए तब भी वो याद आ जाएगा आपको। तो सर एक बार लीगल रूल्स हम एक बार क्या रिवाइज कर लें? हाँ बच्चों, हम लीगल रूल्स एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, 5 मिनट में। उसके बाद आपको पता है हम क्या करने वाले हैं? हम चार्ट बनाने वाले हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर का चार्ट बनाया था, अभी लीगल रूल्स का चार्ट बनाएंगे। आपको एक कॉपी में सारे चार्ट्स मेंटेन करने हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो तो सिर्फ चार्ट्स देखो और आपको सब कुछ समझ आ जाए, हर चीज क्लिक में करे। खाली केस लॉ का नाम देखो और केस लॉ की हर एक माइन्यूट डिटेल आपको समझ आ जाए। हाँ सर, हाँ हमें तो समझ आ रही है, मज़ा भी आ रहा है सर, चार्ट बनाएंगे, मज़ा आएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर में कितने पॉइंट्स पढ़े थे बच्चों? 10 10 कदम। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, ये तो याद है बच्चों। हमने जनरल में किसका एग्जाम्पल लिया था और स्पेसिफिक में किसका एग्जाम्पल लिया था? अगर हम साहिल सर वाला लें, साहिल सर ने ओएलएक्स में कार डाल दी थी, वो एक जनरल ऑफर था। स्पेसिफिक ऑफर, साहिल सर ने हार्ली डेविडसन के शोरूम के ओनर को कहा कि मुझे ये फीचर्स की बाइक चाहिए थी, तो ये था स्पेसिफिक ऑफर, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या पढ़ा था? ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। साहिल सर जब अपनी फीचर्स बता रहे थे वो ओनर को कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन की बाइक चाहिए, तो साहिल सर दिमाग में सोच रहे थे कि मुझे हाँ कर दे। समझ आया? ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। तो फिर थर्ड में था ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं ऑफर? या तो बोल के कर सकते हैं या फिर लिख के कर सकते हैं, रिटन और ओरल। और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? जब आप कुछ करके ऑफर देते हो, मतलब बाय अ कंडक्ट। एक्सप्रेस ऑफर इज हाउ बाय बाय राइटिंग और बाय ओरल कम्युनिकेशन। हाउ डू यू कम्युनिकेट अ इम्प्लाइड ऑफर? बाय डूइंग दैट थिंग, बाय कंडक्ट ऑफ वर्क। ओके सर, हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? सर हमने बस वाला एग्जाम्पल लिया था। साहिल सर को जब ओनर ने कहा हार्ली डेविडसन के शोरूम के ओनर को कि 2 घंटे लगेंगे बाइक को असेंबल करने में, तो आप जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाइए, तो साहिल सर जब रेस्टोरेंट के बाहर गए तो बस वालों ने उनको एक इम्प्लाइड ऑफर दे रखा था। बस कंपनी ने सारी पब्लिक को एक इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है, तो साहिल सर उसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर उसके बाद बच्चों क्या था? ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। क्या था? ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। साहिल सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और लंच पे इनवाइट किया। गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल के भी लेकिन लंच पे वो आई नहीं। क्या साहिल सर उनके आगे स्केस कर सकते? नहीं, क्योंकि वो एक सोशल इनविटेशन था, वो एक लीगल इनविटेशन था ही नहीं। उसके बाद क्या था? ऑफर मस्ट बी सर्टन डेफिनाइट एंड नॉट वेग। साहिल सर ने एक प्लेट पनीर ऑर्डर की, लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत सारे तरीके की पनीर मिलती है, पनीर बटर मसाला, पनीर पसंदा, तो कौन सा पनीर? वेटर तो कंफ्यूज हो गया, मतलब इसका मतलब ऑफर वैलिड नहीं था। ऑफर सर्टन होना चाहिए, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए ऑफर। ओके समझ आ गया। फिर उसके बाद एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। साहिल सर रास्ते में आते वक्त हेलमेट का शोरूम था, उसमें हेलमेट्स डिस्प्ले हो रखे थे, तो वो क्या था? एक इन्विटेशन टू ऑफर था फ्रॉम द हेलमेट शोरूम टू साहिल सर और पब्लिक एट लार्ज टू कम एंड ऑफर टू देम दैट दे वॉन्ट टू बाय अ हेलमेट। देन
इट डिपेंड्स ऑन देम, इट डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ दैट शोरूम दैट वेदर दे विल सेल यू सैल्यूट द हेलमेट और नॉट, वेदर दे विल एक्सेप्ट योर ऑफर और नॉट। तो छह पॉइंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद साहिल सर क्या गए, पेट्रोल पंप गए, हार्ले डेविडसन शोरूम से बाइक लेके पेट्रोल पंप गए, और पेट्रोल पंप में जो सर्विस वोमेन थी वो डेफ थी। तो साहिल सर ने जब कहा कि मेरे को 500 रुपीस का पेट्रोल डालना है, तो उन्होंने नहीं डाला, लेकिन साहिल सर ने जब लिख के दिया तब उन्होंने डाला, क्योंकि उनको ऑफर पता चला। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, फिर उसके बाद ऑफर साहिल सर ने क्या किया, ऑफर में कंडीशंस डाल दिए कि मेरे पास 2000 रुपए का नोट है, अगर मैं 500 रुपए का तेल डालूंगा और आप जो मुझे 1500 रुपीस वापस करेंगे वो 100 100 रुपीस के डिनोमिनेशंस में होने चाहिए, 500 के नोट्स में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर आपके पास है तो बोलो वरना मैं कहीं और जाकर डलाऊंगा। तो साहिल सर ने कंडीशन डाल दिया, क्या आप एक ऑफर में कंडीशन डाल सकते हो तब भी वो एक वैलिड ऑफर माना जाएगा? हाँ हाँ सर, हाँ 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 एकदम हाँ। तो ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। फिर नाइन्थ में क्या है, साहिल, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और ऑफर मस्ट नॉट पुट बर्डन ऑन द ऑफरी। तो क्या हुआ था इसमें, कौन सा एग्जाम्पल था, मतलब स्टोरी का कौन सा पार्ट था? साहिल सर गए थे अपने घर गए और देखा कि ओएलएक्स में कार अभी तक सेल नहीं हुई है। जब कार सेल नहीं हुई, साहिल सर मेरे को कॉल किए, बोले कि विशाल मैं आपको कार 30,000 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, अगर आपने दो दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और ऑफर मस्ट नॉट पुट एनी बर्डन ऑन द ऑफरी, नो 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 नो। उसके बाद टेंथ में हमने एक अलग से पॉइंट दिखाया था जो ICAI की मैट में कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में है, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि ये भी एक लीगल रूल रिगार्डिंग वैलिड ऑफर है। वो क्या है, स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। सिर्फ आप याद रखेंगे स्पेशल कंडीशंस, इसमें तीन चीजें हैं, मैंने आपको कल दो चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहली चीज क्या पढ़ाई थी, अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू स्पेशल कंडीशंस, अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू स्पेशल कंडीशंस टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, ये सबसे पहली चीज पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ओले वर्सेस मालबोग केस में कि A condition cannot be inserted after acceptance has been made. समझ आ गया? 10th point क्या है? Special condition है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे 10th point क्या है? Special condition. Special condition में तीन चीजें हैं, मैंने दो चीज आपको पढ़ा दी थी, तीसरी चीज मैं अभी चार के साथ पढ़ाऊंगा। तीन चीजें में से दो चीजें क्या है, सबसे पहला कि अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू द स्पेशल कंडीशन, देन ओनली इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड ऑफर। हमने कल एग्जांपल लिया था पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे में, जिसमें उस पार्कर ने अपना सामान क्लोक रूम में रख दिया था, क्लोक रूम का जो भी रिसीट था उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि प्लीज टर्न ओवर, या फिर लिखा हुआ था प्लीज टर्न ओवर, लेकिन पार्कर ने वो पढ़ा नहीं और फिर अपना सामान छोड़ के चले गए। जब उनका सामान नुकसान हो गया तो वो मांगने लग गए पैसा, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने मना कर दिया, कहा हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये नहीं आता है, हम $10 के ऊपर जितना भी सामान चोरी हुआ है उसको हम डैमेज नहीं देते हैं, उसका डैमेज का भरपाई नहीं करते हैं। तो पार्कर ने केस कर दिया था, जज साहब ने कहा कि आपने पढ़ा नहीं, हम जो रिसीट आपको मिली थी, जो रिसीट आपको मिली थी उसमें प्लीज टर्न ओवर लिखा हुआ था, प्लीज टर्न ओवर मतलब अटेंशन ड्रॉ करा गया था पीछे लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस में, अटेंशन ड्रॉ किया गया था पीछे लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस में। इसका मतलब हम मानते हैं कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं और एक्सेप्ट किए हैं। अगर प्लीज टर्न ओवर या फिर कोई और सिंबल, कोई भी सिंबल अगर नहीं लिखा होता, सिंबल छोड़िए, अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने उनको ऐसे दिया होता कि आप पीछे भी पढ़िए, अगर बोल के भी बोला होता कि आप पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िएगा, तब भी ये एक वैलिड ऑफर माना जाता। अटेंशन आप कैसे भी ड्रॉ करो टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी, कोई सिंबल हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। तो अगर आप अटेंशन ड्रॉ कर लेते हो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में, फिर भी सामने वाला अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट, सामने वाला वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट करता है, तब आपके अगेंस्ट वो सू नहीं कर सकता, या फिर एक ये एक वैलिड ऑफर माना जाता है। लेकिन अगर आप अटेंशन ड्रॉ नहीं करते हो, मतलब आपने पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिया लेकिन सामने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिस जो बोले कि आप प्लीज पीछे ध्यान दीजिए, प्लीज पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाता। समझ आ गया? फिर ओले वर्सेस मालबर्ग केस में हमने क्या पढ़ा था कि दो, एक कपल जो है वो होटल बुक किए, होटल बुक करते समय कुछ भी कंडीशन नहीं बताई गई उनको और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब वो रूम की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा दीवार पे लिखा हुआ है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। क्या ये एक वैलिड ऑफर है? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या आप एक एक्सेप्टेंस के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ आ गया? अब दोस्तों हमने अपना रिवाइज कर लिया है,
एक बार 10 के 10 पॉइंट विदाउट एनी एग्जांपल्स, जस्ट द पॉइंट्स, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये करके हम चार्ट बनाएंगे। ओके सर, सर हम बोलेंगे, हाँ बच्चों आप बोलो। ओके सर, तो रेडी, 1 2 3 गो। ओके, ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ऑफर मे बी स्पेसिफिक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, देन ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मे बी कंडीशनल, देन इक्वल टू ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और ऑफर मस्ट नॉट पुट बर्डन ऑन द ऑफरी, देन टेंस इक्वल टू स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन देर आर थ्री थिंग्स विच out of which two we have read already, that is attention must be drawn to the special conditions, and special conditions or terms and conditions cannot be inserted after an acceptance has been made. The third kya hai bacho, patience rakho, abhi hum aage badhne wale hain aur hamara chart banane wale hain. Bachcho aap log mere sath sath banayenge, aaj hum bahut sada likhne wale hain, aaj bahut sada likhne gaye bachcho, theek hai, koi baat nahi sir, hum likhenge, aapka saath denge. Okay, to ek रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर, बच्चों अब हम इसमें सारे लीगल रूल्स लिख देंगे। सबसे पहले क्या है, जनरल और स्पेसिफिक। क्या बच्चों इसका कुछ एग्जांपल या कुछ लिखाने का जरूरत है मेरे को? नहीं सर, ये तो हमें पता है। ओके, यहाँ पे वन नंबर इधर दे देते हैं एक बार, यहाँ पे टू, सेकेंड नंबर क्या हो रहा है, हाँ मेड यू टू Ascent, बच्चों आप मेरे साथ लिख रहे हैं ना, हाँ, made with the view to obtaining ascent आ गया। थर्ड में क्या था, he expressed और implied, सर पर implied के examples याद करा देंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ बच्चों, साइड का एग्जांपल हमने सबसे पहले बस कंपनी वाला एग्जांपल लिया था, वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था, जब आप अपने पापा के साथ ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हो और ट्रैफिक रोड पे जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकती है, तो अचानक से एक बंदा आके आपकी गाड़ी साफ करने लगता है, तो वो आपको एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि आप उसके बदले उसको पैसे दें। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमने सर कौन सा लिया था, रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लिया था। रेस्टोरेंट वाले आपको एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हैं कि हमने आपके लिए सब कुछ रेडी कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, एम्बियंस, एवरीथिंग, आप जस्ट आइए और पे कीजिए और खाइए। समझ आ गया, ये इम्प्लाइड ऑफर है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक वेइंग मशीन रखी रहती है। क्या रखी रहती है, एक वेइंग मशीन। तो वो जो वेइंग मशीन है उसने पब्लिक एट लार्ज को इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है कि मैं आपका वेट करूंगा, मैं आपका वजन बताऊंगा, आप बस मेरे अंदर एक रुपये डालिए या फिर पाँच रुपये डालिए, मैं आपको आपका वजन बताऊंगा। आप जब उस पर जाके पाँच रुपये डाल देते हैं तो आप इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ आ गया दोस्तों? तो अगर आपको लिखना है एग्जांपल्स, आप एक बार लिख लीजिए, मैं एक सेकेंड, पाँच दस सेकेंड वेट कर लेता हूँ। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, बस कंपनी, बॉय क्लीनिंग बॉय एट ट्रैफिक सिग्नल, बस कंपनी, क्लीनिंग बॉय एट ट्रैफिक सिग्नल, रेस्टोरेंट सर्विसेस, एंड फोर्थ इज वेइंग मशीन। वेइंग मशीन दोस्तों आपने लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या था सर? सर हमें पता है सर, उसके बाद फोर्थ वाला था मस्ट बी capable of
क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। इसमें एग्जाम्पल लिख के, एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड ऑफर, मतलब इनवैलिड कब होगा, जब एक वो सोशल इनविटेशन होगा, इनवैलिड ऑफर। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड ऑफर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इनवाइटिंग फ्रेंड्स ऑन ए बर्थडे पार्टी, इनवाइटिंग इनवाइटिंग फ्रेंड्स ऑन अ बर्थडे पार्टी। समझ आ गया दोस्तों, क्लियर? हाँ, मतलब ये एक एग्जाम्पल इनवैलिड ऑफर का है, मतलब ये एक सोशल इनविटेशन है, दिस डज नॉट गिव राइज टू लीगल रिलेशन, बट एन वैलिड ऑफर इन द आईज ऑफ लॉ, दैट इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। समझ आया? ओके, आप हर चीज स्टोरी के साथ रिलेट करते रहे ना, ठीक है? अब सर, आप इतना पेन क्यों चेंज करते हैं बच्चों, मजा आता है, आप भी करना। ओके, तो नंबर फाइव क्या था, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, ऑफर, सॉरी 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 बच्चों, भूल हो गई, सर से भी कभी भूल होती है, हम भी इंसान हैं। तो नंबर फाइव क्या था, नंबर फाइव है ऑफर मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट vague, ठीक है? में हमने देखा था कि कुछ ऐसे ऑफर होते हैं जो सर्टेन सर्टेनिटी में, दो तरीके के ऑफर होते हैं अगर हम बात करें, सर्टेनिटी की बात करें, ऑफर की बात करें, ऑफर लिख देना इधर, सर्टेन की जगह ऑफर लिखना। एक होते हैं अनसर्टेन ऑफर, जो वैलिड नहीं है, क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। एक होते हैं सर्टेन ऑफर, जो पूरा वैलिड है बिना कोई डाउट के, और एक ऑफर होते हैं जो स्टार्टिंग में अनसर्टेन होते हैं, स्टार्टिंग में वो अनसर्टेन होते हैं, बट दे आर capable of being made certain, they are capable of being made certain। सर सर ये तो हमें पूरा याद है। हाँ बच्चों, तो फिर बताओ इसमें हमने examples कौन से लिए थे? सर हमने हमने इसमें वो होम लोन वाला example लिया था, interest rate वाला example, कि सर इतना 8% interest लगेगा, लेकिन हमें starting में तो पता ही नहीं है कि कितने principal पे हम interest देंगे। सर अगर मान लो कि 1,00,000 हमारा प्रिंसिपल हर साल रिपे करना है, लेकिन हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो हम आज 2,00,000 रुपये रिपे कर दिए, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट देंगे सर, वो तो 1,00,000 रुपये कम पे देंगे ना। हाँ, तो सर बाद में जब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा, वैसे ये जो अभी अनसर्टेनिटी है कि कितने अमाउंट पे हम इंटरेस्ट देंगे, वो सर सर्टेन होता जाएगा। समझ आ गया? और एक एग्जांपल सर, मैंने अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे जो भी दुकान में, मेरा सर एक चॉकलेट्स का शोरूम है, चॉकलेट्स की दुकान है, तो मेरे दुकान में जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो तेरी हुई, उसके बदले तू मेरे को इतने रुपए दे दे, 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ तो उसके बदले मेरे को दे दे। तो आपके दुकान में कितनी चॉकलेट है हमें पता है क्या? मान लो कि आप भी हिसाब नहीं लेते, आप भी हिसाब नहीं रखते हो, तो अभी तो वो अनसर्टेन है ना, लेकिन आपका दोस्त चाहे तो खरीदने के बाद जाके गिन सकता है कि हाँ ये चॉकलेट्स हैं, इतनी चॉकलेट्स है, डेरी मिल्क इतनी है, फाइव स्टार इतनी है, फरेरो रोचर इतनी है, नटीज इतनी है, तो वो सर्टेन तो हो सकता है ना, कैपेबल ऑफ बींग मेड सर्टेन। बच्चों उसमें एग्जाम्पल में लिख लो, कैपेबल ऑफ बींग मेड सर्टेन में इंटरेस्ट ऑन होम लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेल ऑफ अनकाउंटेड गुड्स, इंटरेस्ट ऑन होम लोन,
सेल ऑफ अनकाउंटेड गुड्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो ऑयल वाला एग्जांपल था जो आईसीए की बुक में भी दिया हुआ है, मैंने भी आपको समझाया। सबसे पहले एक बंदा था जो बहुत तरीके के ऑयल में डील करता था, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, एवरीथिंग, हर चीज में डील करता था। उसने आपसे आके कहा कि सुनो राहुल, आपका नाम राहुल है ठीक है मान लो, सुनो राहुल मैं ना तुम्हें 1 लीटर तेल दूंगा, उसके बदले तुम मुझे 500 रुपए देना। लेकिन कौन सा तेल देगा, तू तो इतने सारे तेल में डील करता है, तो ऑफर जो है वो वेग है, धुंधला है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा। हाँ तेल तो दिखाई दे रहा है लेकिन कौन सा तेल, ब्लैक ब्लैक बजाया। लेकिन अगर मान लो, अब ये जो ऑफर था ये क्या था, अनसर्टन, ये तो एक वैलिड ऑफर बन ही नहीं सकता है ना, आप एग्री करते हो? हाँ ठीक है। लेकिन मान लो कि राहुल सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता था, सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता था राहुल और कोई ऑयल नहीं बेचता था, सॉरी नॉट राहुल, जो आपके पास आया जो ऑयल डीलर है वो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता था, तो वो जाके आपको आके बोला कि मैं आपको 1 लीटर तेल दूंगा, उसके बदले आप मेरे को 500 रुपए देना। इस बार भी वो कुछ नहीं बोला कि कौन सा तेल, लेकिन इस बार आप तो अज्यूम कर सकते हो ना कि वो तो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है, तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है। तो केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन था, ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड ऑफर है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो एग्जाम्पल में वो ऑयल लिख के रख लीजिए यहाँ पे, ऑयल डीलर आपको याद आ जाएगा, सिर्फ ऑयल डीलर लिख दो याद आ जाएगा पक्का। हाँ सर याद तो आ जाएगा। चलो सर आपने पेन का कलर चेंज नहीं किया। हाँ बच्चों सही बात है, आप तो स्मार्ट हो रहे हो हैं। ओके तो 5 चीजें हमने देख ली। अब कौन सा कलर सर मैं ओके सर 6 में हम देखेंगे। आज क्या हो रहा है वे? हाँ 6 में हम देखेंगे मस्ट बी ऑफर, मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। सर इसमें तो हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था। हाँ बच्चों इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर इज जस्ट एन इनविटेशन फॉर यू टू मेक कम एंड मेक एन ऑफर, आफ्टर दैट इफ योर ऑफर इज एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम्स एन एग्रीमेंट और अ प्रॉमिस, बट व्हेन एन इनविटेशन टू ऑफर इज एक्सेप्टेड इट जस्ट बिकम्स अ ऑफर। समझ आ गया? हाँ सर ये तो समझ आ गया। तो ये चार्ट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना है, आपको बस इतना लिखना है इनविटेशन टू ऑफर प्लस ऑफर, नहीं इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू ऑफर। इट्स नीचे लिखो, अभी लिख दो, मैं कॉल आउट कर देता हूँ। इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफर बाद ऑफर सेम ऑफर आएगा। समझ आया? हाँ सर हाँ एकदम समझ आ गया। तो इनविटेशन टू ऑफर में हमने क्या क्या पढ़ा था सर? इनविटेशन टू ऑफर में हमने पढ़ा था, इनविटेशन टू ऑफर में हमने पढ़ा था सर तो इनविटेशन टू ऑफर में पढ़ा था सबसे पहले तो एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, बच्चों यहाँ पे हैंडराइटिंग खराब हो गई है, मैं आपको कॉल आउट करता हूँ। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, क्या अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, हमने इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया था? प्रोस्पेक्टस का एग्जाम्पल लिया था। स्कूल में आपको प्रोस्पेक्टस देते हैं कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज हैं, इतने रैंकर्स निकले हैं, इतने टॉपर्स हैं,
आज वो सीए हैं, ये हैं, वो हैं, एमबीए हैं, सीईओ हैं, सीएफए हैं, ये सब सब हमारे स्कूल से ही पढ़े हैं। विजय आलिया भी हमारे स्कूल से पढ़ा है, ये सब प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। क्या वो एक ऑफर है? अगर वो ऑफर होता तो वो आप फिलअप करते ही आपका एडमिशन हो जाता, लेकिन क्या ऐसा होता है? आप फिलअप करते हैं तो क्या आपको वो कॉलेज में एडमिशन पक्का है? नहीं, वो फिर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं जो प्रोस्पेक्टस का पार्ट है, आप बस एक ऑफर करते हैं कॉलेज को कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके बदले मैं आपको फीस दूंगा, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं उसके बदले फीस दूंगा आपको। फिर वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो इसलिए तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में फॉर्म डालते हैं, वरना अगर ऐसा होता कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपका एक्सेप्टेंस हो जाता तो आप तो बहुत सारे कॉलेजेस में फॉर्म डालते ही नहीं, एक ही कॉलेज में फॉर्म डालते, है ना? हाँ सर, आप तो स्मार्ट हैं। तो हमने पहला लिख लिया, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट इज नॉट एन ऑफर। ओके सर, लिख लिया। फिर उसके बाद अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, हमने पढ़ा था, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। मैं आपको कल एग्जांपल बताया था कि सपोज आप बिग बाजार गए और उसमें एक जीन्स पे 2000 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन बाहर में लगा हुआ है अप टू 50% ऑफ, पूजा डिस्काउंट। तो प्राइस टैग पे तो सर 2000 रुपीज लिखा हुआ है, हमने एक्सेप्ट अगर कर लिया, जीन्स खरीदने के लिए बोला तो हमें तो 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर जो प्राइस टैग है वो ऑफर है तो सर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 2000 रुपीज ही देना पड़ेगा। अगर हम कम देते हैं इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, अग्रीमेंट तोड़ते हैं, हमारे खिलाफ केस हो सकती है। सर नहीं, आप क्या मजाक कर रहे हैं सर, आपने कल ही तो बताया वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है, वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। हाँ बच्चों, बहुत स्मार्ट हो रहे हो, है मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बोलने। ओके, तो वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है, आप जब उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो एक ऑफर बनता है। फिर आप जब कैश काउंटर पे जाते हो तो वो आपको बोलता है कि सर ये डिस्काउंट है, 50% पूजा डिस्काउंट है, तो आपको ये 1000 रुपीज पड़ेगी, आप 1000 रुपीज दे दीजिए। मजा आया दोस्तों? हाँ सर, समझ आ गया। तो हमने क्या लिखा, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। उसके बाद थर्ड पॉइंट सर हमने क्या पढ़ा था? सर हमें याद आ रहा है कुछ ऐसे धुंधला, नॉट धुंधला बच्चों, वेग बोलो, वेग। अभी आप लॉ के टर्म्स यूज करो। सर कुछ वेग वेग याद आ रहा है, हमने कुछ वो अंकल और वो घोड़ा एंड ऑल शायद वैसा कुछ पढ़ा था। नहीं नहीं सर, वो नहीं पढ़ा था। तो बच्चों याद करो, प्रेशर डालो, क्या पढ़ा था आपने? सर वो जमीन सर, बम्पर हॉल पेन, हाँ बच्चों वही पढ़ा था, हार्वी वर्सेस पेसी, हमने वो केस लॉ पढ़ा था। केस लॉ में क्या था, हार्वी जो है उन्होंने टेलीग्राम में लिखा था, दो क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे पहले विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, बम्पर हॉल पेन एक लैंड का नाम है, आप वो क्या आप मुझे अपना लैंड बेचेंगे, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन था कि लैंड का सबसे सस्ता प्राइस क्या है, मिनिमम आप कितने में बेचेंगे, मिनिमम प्राइस क्या रखते हैं आप। तो फेसी ने सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हमारे जो लैंड है उसका मिनिमम प्राइस 900 यूरोज है। तो उस पे हार्वी ने कहा ठीक है, मैं आपका लैंड 900 यूरोज में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन फेसी ने कहा नो 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 मींस नो। तो हार्वी गुस्सा होके केस फाइल कर दिया, बोला कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, इसने मुझे कहा 900 यूरो में बेचेगा। जज साहब ने कहा ओए हार्वी सुन, ने तुझे ऐसा नहीं कहा कि वो तुझे बेचेगा, उसने सिर्फ तेरे एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, तूने पूछा इस लैंड का सबसे सस्ता प्राइस क्या हो सकता है, ने कहा 900 यूरो। तूने और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप मेरे को ये लैंड बेचेंगे, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं दिया। सर हार्वी बोला लेकिन सर उसने ये तो हार्वी बोला लेकिन सर उसने ये तो बोला ना 900 यूरो सबसे सस्ता है, सेकेंड क्वेश्चन का तो आंसर दिया। तो जज साहब ने कहा एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड From an offer must be distinguished from an answer to question. एक question का answer कभी एक offer नहीं हो सकता। मजा आया दोस्तों? हाँ, लेकिन आपने जो पहला वाला offer किया था, पहला वाला question जो पूछा था, वो indirectly एक offer था। आपने पूछा था क्या आप मुझे वो land बेचेंगे? तो ये एक question तो था ही, लेकिन ये एक offer था। अगर इसका reply करते ये कि हाँ हम बेचेंगे, तब जाके एक agreement बनता। लेकिन अगर मियर नॉर्मल क्वेश्चन है कि
ये प्राइस कितना है इस लैंड का, तो ये तो बस आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। आप दुकान में जाते हो, बहुत सारी दुकान में जाते हो, आप बोलते हो ना भैया इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है। वो अगर बोलता 50 रुपया, तो इसका मतलब थोड़ी वो ऑफर कर दिया और हाँ वहां बोल दिया तो एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, उसकी मर्जी, वो बेचे नहीं बच नहीं बेचे। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। सर हमने इसमें तीन चीजें तो देख ली। सबसे पहला चार चीजें, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर आ गया। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट इज नॉट एन ऑफर सर, प्रोस्पेक्टस वाला आ गया। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर सर, वो भी समझ आ गया। फिर ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर से फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन सर, ये भी समझ आ गया। सर लेकिन आपने पहला वाला जो है एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, उसमें भी एक केस स्टडी पढ़ाया था सर। हाँ सर, मैं भी तो आपने एक केस स्टडी पढ़ाया था सर। क्या था केस स्टडी? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बुक्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। क्या था? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन लिमिटेड वर्सेस बुक्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। उसमें क्या हुआ था सर? एक केमिस्ट की दुकान थी और वो सेल्फ सर्विस पे थी, मतलब आप जाके शेल्फ्स में से मेडिसिन उठा के फिर कैश काउंटर पे जाते हो और कैश काउंटर पे जाके बिलिंग करवाते हो। तो एक बंदे ने शेल्फ से वो सामान उठाया, जो जिनका नाम था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उनके एक बंदे ने जाके सामान उठाया शेल्फ से, और कैश काउंटर पे जब गए तो उन्होंने मना कर दिया। जो मतलब फार्मासिस्ट था, जो उधर जो ओनर थे, वो मना कर, फार्मासिस्ट जो थे वो मना कर दिए कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। तो इस पे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने केस फाइल कर दिया कि इन्होंने ऑफर किया था शेल्स पे रखते ही, इन्होंने ऑफर कर दिया था और मैंने जैसे ही शेल्स से निकाला तो वो एक एक्सेप्टेंस हो गया, वो एक एक्सेप्टेंस हो गया। तो लेकिन ये फिर मना कर रहे हैं कि नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ये। तो इस पे जज साहब ने कहा कि शेल्फ से जो चीज आप उठा रहे हो वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर ऐसा होता कि शेल्फ्स में रखी हुई सामान अगर ऑफर होती, तो अगर आपने एक बार उठा लिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो चीज आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है। मान लो आप शर्ट देखने गए हो, आपको लिवाइस की शर्ट लेनी थी, साइड में यूएस पोलो की शर्ट रखी थी, आप बस ऐसे देखने के लिए निकाल लिए, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप वापस नहीं रख सकते उधर। समझ आ गया दोस्तों? तो इसलिए ये एक ऑफर नहीं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स आर इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर, एंड व्हेन इनविटेशन नॉट टू ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड ऑफर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एंड व्हेन दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड व्हेन दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। समझ आ गया? तो सर इसमें हम नीचे केस लॉ भी लिख दें। हाँ बच्चों नीचे केस लॉ भी लिख दें, अपने आप के लिए ताली बजाओ। सर भूल जाते हैं लेकिन आप नहीं भूलते, ये सब चीजें हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आप नीचे दो टू केस लॉ लिख दो। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बुक कैश केमिस्ट लिमिटेड, और उसमें ना ऐसे एरो दे देना कि दिस इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट दैट ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, फिर उसके बाद लिखो हार्वी वर्सेस फेसी, बस लिखो हार्वी वर्सेस फेसी, और फिर इसको लिंक कर दो कि एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। समझ आ गया? हाँ दोस्तों, तो मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, इसका मतलब मैं लिख दिया हूँ, ठीक है सर? आप भी ना, क्या करते हैं आप, कोई नहीं। ठीक है, 6 पॉइंट हमने कवर कर लिया, मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद सर 7 पॉइंट क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड सर, क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ सर, सर मैं साहिल सर वाला तो हमें याद हो गया सर, इसमें भी हमने एक केस लॉ लिया था। हाँ दोस्तों, मैं कौन सा केस लॉ लिया था याद करो दोस्तों, याद करो। मैं आपने केस लॉ लिया था। हाँ दोस्तों, तो इसमें हमने कौन सा केस लॉ लिया था सर? हमने केस लॉ लिया था लालमन शुक्ला। कौन सा केस लॉ? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त।
सर इसमें क्या हुआ था आप एक बार शॉर्ट में बता देंगे? हाँ बच्चों पक्का बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ था कि गौरी दत्त के जो नेफ्यू थे, भांजे थे, वो खो गए थे, और गौरी दत्त के जो नौकर थे, जो सर्वेंट थे, वो थे, उनका नाम लालमन शुक्ला था। गौरी दत्त ने उनको कहा कि हे लालमन शुक्ला, प्लीज आप मेरे भांजे को खोज के ले आओ। तो उस पे लालमन शुक्ला बाहर चला गया खोजने, गाँव वाँव गया, खोजा उनके नेफ्यू को। उसके बीच में ही मतलब उसके बाद जब लालमन शुक्ला को उन्होंने भेज दिया, उसके बाद उन्होंने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी मेरे भांजे को खोज के लेके आएगा उसको मैं ये रिवॉर्ड दूंगी, इतने रुपए रिवॉर्ड दूंगी। लालमन शुक्ला को ये रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो उस बच्चे को खोज के लाके गौरी दत्त को वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तब उसको लालमन शुक्ला को उस रिवॉर्ड के बारे में पता चला। फिर लालमन शुक्ला क्लेम करने गया, लेकिन गौरी दत्त ने मना कर दिया कि ऑफर मैंने तेरे को दिया ही नहीं था, तेरे को तो ऑफर पता ही नहीं था। तो लालमन शुक्ला गुस्सा होकर कोर्ट में केस कर दिया। तो जज साहब ने कहा, हे बालक, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में कहा है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब तेरे को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो तू एक्सेप्ट कैसे किया? जब तेरे को ऑफर पता ही नहीं था तो तूने एक्सेप्टेंस कैसे दिया, मूर्ख बालक? तो ये एक वैलिड क्लेम नहीं था और लालमन शुक्ला केस हार गया। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या गया बच्चों? देखो ये जो चार्ट है ये आपको याद करने के लिए, आप एक बार चार्ट देखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये केस लॉ पढ़ा था ये याद आ जाएगा, हम केस लॉज का भी अलग चार्ट बना रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी कभी बंद मत कीजिए, कभी मेरे तक लिमिटेड मत रखिए। ये मत सोचिए कि सर ने ये एग्जाम्पल्स दे दिए, बस इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई एग्जाम्पल है, आपके मन में कोई केस लॉ है, आप अगर कहीं बाहर से कोई केस लॉ पढ़ रखे हैं, क्योंकि जितने भी केस लॉ आपके लिए रेलेवेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे केस लॉज भी हैं जो आईसीए की बुक में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो सब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कहीं और से सुना है, या फिर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट है आपका, या फिर कोई अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है, तो आप भी ये चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स। बच्चों क्रिएटिविटी इज ऑलवेज वेलकम्ड, बोथ बाय अस एडुकुल क्लासेस एंड बोथ बाय आईसीआई एंड एवरीवन। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय द होल वर्ल्ड। डीप सीक्रेट, कभी अपने आप को लिमिट मत करना कि सर जो बोल रहे हैं हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी होती नहीं, डेवलप करनी पड़ती है, तो आप भी अपने एग्जाम्पल्स बनाइए। सर सर बहुत ज्ञान हो गया, अभी आगे बढ़ाइए आप। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ाऊँ अभी? ओके हाँ ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ाऊँ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक पॉइंट, याद रखना। एक पॉइंट क्या है? ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर क्या हो सकता है? ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर क्या हो सकता है? ऑफर कंडीशनल हो सकता है। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, पे बाय आरटीजीएस ओनली, पे बाय आरटीजीएस ओनली। सर आरटीजीएस क्या होता है? बच्चों आप सब जान जाओगे, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर, ऐसे कुछ का फुल फॉर्म है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये है मतलब आप इसी मोड के थ्रू ही पे करेंगे, कैश वैश को चलाओ नहीं होगा। तो ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। हाँ सर, 8 पॉइंट हमने कर लिया है। इसके बाद 9 पॉइंट है, ऑफर मस्ट नॉट पुट बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफरी पे बर्डन नहीं पुट होना चाहिए, और ऑफर मस्ट नॉट बी सच दैट द ऑफर मस्ट नॉट कंटेन टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे आप लिख लेना वो चीज, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चलो मैं ही लिख देता हूँ, मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। पर सर 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 हमें याद आ रहा है, इसमें हमने केस लॉ पढ़ा था वो घोड़े वाला। हाँ इसमें हमने पढ़ा था, फेल्ट हाउस
वर्सेस बिनली, क्या था? फेल्ट हाउस वर्सेस बिनली। सर सर हमें सब कुछ याद हो गया सर, 9 के 9 पॉइंट हमारे मुंह में है। चाहे केस स्टडी आ जाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम करके आ जाएंगे। दैट्स द स्पिरिट। और ये सिर्फ आपको एग्जाम तक लिमिटेड नहीं रखना, रियल लाइफ में भी अगर कभी सिचुएशन आए तो भी अप्लाई करना है। हाँ सर पक्का करेंगे। ओके तो लास्ट में 10th पॉइंट था स्पेशल कंडीशंस। क्या था? स्पेशल कंडीशंस। लास्ट पॉइंट था स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में हमने तीन चीजें देखी थी। सबसे पहले अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन, अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, हमने केस लॉ कौन से पढ़े थे? में हमने एक केस लॉ पढ़ा था पार्कर वर्सेस साउथ ईस्ट रेलवे। सर एक ही तो पढ़ा था? हाँ बच्चों एक ही पढ़ा था, लेकिन आपके आईसीए के मैट में और एक केस लॉ दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में इस चीज से रिलेटेड, दैट अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू स्पेशल कंडीशन, आपको सिर्फ एक केस लॉ साइड करना है, वो है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्ट रेलवे। लेकिन हमारे चार्ट फुलफिल हो तो इसलिए मैं आपको दूसरा केस लॉ भी पढ़ा रहा हूं, कुलदत्ता वर्सेस, कुलदत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, कुलदत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। सर सर ये केस लॉ तो आपने पढ़ाया नहीं बच्चों, क्योंकि ये जो केस लॉ है एग्जैक्टली सेम है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्ट रेलवे के साथ। इसमें बस रेलवे था, इसमें बस एयरलाइंस है, सेम लगेज को लेके रिलेटेड है। क्लोक रूम में लगेज लिखा हुआ, लगेज रखना था, लेकिन उसमें पीटीओ लिखा हुआ था, फिर भी पार्कर ने केस किया उसके अगेंस्ट कि ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने पीटीओ लिखा हुआ है, प्लीज टर्न ओवर लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया था, तब उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया था टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू, तो इसलिए हम मानते हैं जब आपने टिकट एक्सेप्ट की इसका मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेप्ट किया है। समझ आ गया? सेम चीज मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस के साथ थी। सर और एक क्या था? और एक हमने पढ़ा था कंडीशंस, अब अपना अच्छे से जगह करके लिखना, कंडीशंस नॉट बी सर्टेड आफ्टर सेप्टेंस। समझ आ गया? सर इसमें कौन से केस लॉ पढ़े थे? इसमें पढ़े थे हमने ओले वर्सेस मालबो, वो होटल वाला केस लॉ था, और एक था तो आपके आईसीए की बुक में, लेकिन आपको कौन सा साइड करना है? सर हमें पता चल गया, ओले वर्सेस मालबो, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या था? रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ट्रांसपोर्ट कंपनी। सर ये वाला भी केस लॉ हमें थोड़ा बता दीजिए, हम बच्चों बता देता हूँ। तो रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम है। इसमें क्या हुआ था कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसमें घनश्याम अपने गुड्स बेच रहा था, अपने गुड्स बेच रहा था घनश्याम, लेकिन वो घनश्याम ने बाद में ये कंडीशन ऑफर किया, अगर चोरी हो जाती है, बाद में ये कंडीशन रखा। सबसे पहले ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, अगर चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर मेरे सामान चोरी हो जाते हैं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तब घनश्याम ने कहा कि रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आ गया, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने केस फाइल कर दिया कि ऐसा कोई कंडीशन पहले था ही नहीं, ये तो बाद में इंसर्ट हुआ है। तो रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी जीत गया कि जज साहब ने कहा कि आप कंडीशन बाद में इंसर्ट नहीं कर सकते। मजा आ गया सर। और एक थर्ड वाला, सर थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल सर। रीजनेबल मतलब क्या? सर रीजनेबल मतलब क्या? मतलब एक्सेप्टेबल।
मतलब जो हो रहा है नॉर्मली जो होना चाहिए एक रीजनेबल। अब जो ये रीजनेबल है ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये एक ग्रे एरिया है, मतलब ना ब्लैक है ना व्हाइट है, बीच में कंफ्यूजन है कि सर रीजनेबल किसको माने हम। समझ आया? तो इसमें एक केस लॉ है, में एक केस लॉ है आपको बताता हूँ। हाँ, इस केस लॉ का नाम है लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी, लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। तो इसमें क्या हुआ था कि एक लेडी थी, ध्यान से सुनना ठीक है, दो इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स बट इट इज रेलिवेंट फॉर जो प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, एक लेडी थी जिनका नाम लिली वाइट था, तो उन्होंने लॉन्ड्री में मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करना, मैंने आपको बुक में जगह दी है, लॉन्ड्री में साड़ी दी थी और उसके बदले उनको एक रिसीट मिला था, एक रिसीट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका नाम ये है, आपने साड़ी दी ये दी, और पीछे यहाँ पे प्लीज टर्न ओवर भी लिखा हुआ था और पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि जो भी अगर साड़ी आपकी चोरी हो जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा हुआ था, इफ क्लोथ्स आर स्टोलन देन ओनली 10% ऑफ द वैल्यू विल बी पेड बाय द लॉन्ड्री। और फिर जो लिली वाइट है इनकी जो है साड़ी यहाँ पे चोरी हो जाती है, क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है और गेट्स स्टोलन। ओके, तो ये केस फाइल कर देती है ये सिर्फ मेरे को 15% दे रहे हैं जबकि साड़ी बहुत महंगी थी। तो जज साहब कहते हैं कि द कंडीशंस, जज साहब क्या कहते हैं, द कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल, कंडीशन जो है वो रीजनेबल होने चाहिए, देयरफॉर लिली वाइट इज टाइटल टू रिकवर फुल डैमेजेस ऑफ साड़ी। तो आ गया दोस्तों, तो ये एक केस लॉ है, ये एक्सेप्शन है जिसको आप बोल सकते हो कि ये एक जो कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। समझ आ गया? अगर रीजनेबल नहीं है तो भले ही आपने अटेंशन ड्रॉ किया था स्पेशल कंडीशंस की ओर, फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। आ गया? और इधर लिली वाइट को पूरा हाँ। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और आपका ये घर पे जाके होमवर्क है। आज मैं आपको और एक मस्त इंटरेस्टिंग होमवर्क देने वाला हूँ, आप देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, उठा लिया स्क्रीनशॉट? चलो, क्या स्क्रीनशॉट उठा लिया? आपको सारे कुछ समझ आ गया, 10 के 10 पॉइंट याद हो गए आपको? हाँ सर, एकदम याद हो गए। चलो अब एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, अच्छे से उठा लो। क्वेश्चंस आएंगे तो टेक्स्ट करना मत भूलना कि सर आपने कहा था और क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो बच्चों मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, चलो आपको एक गाना सुनाता हूँ। और क्या क्या गाना सुनाएंगे आप हमें, क्यों? ये गाना ध्यान से सुनना ठीक है, और फिर
बच्चों आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपके साथ साथ फाइंड द चेंजेस नहीं खेल रहा हूँ। मैं आपको गाना सुनाऊंगा और लेकिन ये आपको गाना ध्यान से सुनना है। सर क्यों सर ये गाना ध्यान से क्यों सुनना है? क्योंकि बच्चों अब मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि इस गाने के भीतर कुछ छुपे हैं क्वेश्चंस, जो मैं आपको क्लास के एंड, जो क्लास अभी 20-30 मिनट बाद खत्म होने वाली है, उस क्लास के एंड में जाके आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस इस गाने से रिलेटेड। सर क्या ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है? हम फालतू चीज करते ही नहीं है सर, हम बहुत स्टूडियस हैं। तो हाँ पढ़ाई से भी रिलेटेड है, यही तो दिखा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, पढ़ाई की पढ़ाई। लेकिन दोस्तों मैं सीरियस हूँ, ये आ रहा है पेटीएम सवाल, 20 रुपये का सवाल है ये, क्लास के एंड में पूछूंगा मैं। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं 2 मिनट के लिए ही चलाऊंगा, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, 2 मिनट के लिए चलाऊंगा, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होना, आराम से लेट जाओ और ये गाना सुनो, के बाद लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मज़ा आ जाएगा। देखते हैं किसकी स्किल्स, किसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ज़्यादा अच्छी है या फिर कौन ध्यान से सुन रहा है क्लास में। सर आप इतना बात मत कीजिए, प्ले कीजिए। ओके बच्चों लो, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। सर सर आप क्या कर रहे हैं? हाँ अब बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। मौसम बड़ा हसी है फिर भी प्यार उदास है,
उनसे कहना दूर सही मैं दिल तुम्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? सर सर आप ये हमें क्या दिखा रहे थे, गाने सुना रहे हैं आप क्लास में? सर हम कंप्लेन कर देंगे आपकी। तो मैंने कहा ना, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, सवाल है जो मैं आपको क्लास के एंड में पूछूंगा। सर सवाल? क्या वो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है? बच्चों आपको क्या लगता है, पढ़ाई के अलावा मैं आपको कुछ करवा सकता हूँ? हाँ सर आप करवा सकते हैं, आप हमारा एंटरटेनमेंट भी करवा सकते हैं। बच्चों आप सही हो, आपका एंटरटेनमेंट करवा तो सकता हूँ। बच्चों ये वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट था, दिव्या भारती और सलमान खान का जो भी गाना था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए। सर आप सच बोल रहे हैं? हाँ बच्चों हाँ। तो क्लास के एंड में, क्लास अभी हमारी थोड़ी सी ही बाकी है। सर लेकिन आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने चार्ट बनाया है। आज जो हमने चार्ट बनाया है 40-50 मिनट लगा के, हमारे साथ पूरी सीपीटी के एंड तक रहने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम का लीगल रूल्स हम 10-15 मिनट्स में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा जब हम रिवाइज करेंगे। समझ आया? हाँ सर हाँ समझ आ गया। तो आज हम कॉन्सेप्ट्स को लाइट रखेंगे, दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो लेकिन थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ जाएगा। सर सर आप बात बहुत करते हैं सर, आप चलिए सर आगे चलिए, कॉन्सेप्ट्स पे चलिए। ठीक है बच्चों ठीक है चलो। तो ध्यान से सुनना, हाँ मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। तो ये कौन है सर? ये राहुल है। ये कौन है? राहुल है और ये भाव्या है। सर भाव्या रो क्यों रही है सर? कि बच्चों राहुल ने भाव्या की चॉकलेट छीन के खा ली। क्या किया राहुल ने? भाव्या की चॉकलेट छीन के खा ली, इसलिए भाव्या गुस्सा हो गई है कि मेरा चॉकलेट खा लिया राहुल, मेरा चॉकलेट, प्लीज मेरे को वापस और चॉकलेट चाहिए। तो भाव्या राहुल से बात ही नहीं कर रही थी, भाव्या राहुल से बात ही नहीं कर रही थी, ना उसका फोन उठा रही थी ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही थी। तो राहुल ने सोचा क्यों ना हम 1990s में चले जाए। कहाँ चले जाएं? 1990s में चले जाएं। और राहुल ने एक लेटर में लेटर लिखा और उसमें था कि Shall I buy you four chocolates? राहुल ने लेटर में क्या लिखा? Shall I buy you more chocolates? और वो लेटर भाव्या को पोस्ट कर दिया। ये लेटर का नाम था व्हाइट लेटर। कौन सा लेटर? व्हाइट लेटर। पहले तो भाव्या देखी लेटर, हाँ Shall I buy you more chocolates, क्या समझता क्या है वो अपने आप को, मेरी चॉकलेट छीन लिया अब मुझे बोल रहा है कि और चॉकलेट खरीद के दूं, लेकिन मुझे तो तभी खानी थी। लेकिन चलो मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, एक काम करती हूँ माफ़ कर देती हूँ उसको और उसको एक लेटर लिख के रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि हम 1990s में हैं। तो भाव्या ने एक लेटर लिखा और राहुल को पोस्ट कर दिया। ये लेटर का नाम है बैक लेटर। याद रखना दोस्तों, जो लेटर राहुल ने पोस्ट किया उस लेटर का नाम था व्हाइट लेटर, और जो राहुल भाव्या ने राहुल को पोस्ट किया उस लेटर का नाम था ब्लैक लेटर। उसमें लिखा था यस, भाव्या ने क्या लिखा था? यस आई वॉन्ट यू, यस आई वॉन्ट यू टू बाय मी, आई वॉन्ट यू टू बाय मी मोर देन मोर चॉकलेट्स, आई वॉन्ट यू टू बाय मी मोर देन मोर चॉकलेट्स।
समझ आ गया दोस्तों। तो एक बार फिर से, दो बंदे थे, राहुल और भाव्या। भाव्या लोरी थी क्योंकि राहुल ने उसकी चॉकलेट छीन ली थी। तो राहुल ने सोचा कि हम 1990s वाला एरा लेके आते हैं, और उसने भाव्या को एक व्हाइट लेटर पोस्ट कर दिया ये बोल के कि क्या मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट्स खरीदूं। भाव्या ने उसको एक्सेप्ट किया। जब राहुल ने ऑफर किया, भाव्या ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। उसने भी एक लेटर लिखा और राहुल को पोस्ट कर दिया कि आई वॉन्ट यू टू बाय चॉकलेट्स फॉर मी। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। कौन सा लेटर पोस्ट किया था भाव्या ने? ब्लैक लेटर पोस्ट किया था। ओके सर, हाँ सर, यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन सर आप बताना क्या चाहते हैं? दोस्तों दो मिनट ध्यान से सुनना। मैं मेरा एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन हैं सर। कितने क्वेश्चन हैं फाइनली बताइए? इसमें मेरे सिर्फ चार क्वेश्चन हैं। वो है कि राहुल ने जो लेटर भेजा, वाइट लेटर, राहुल ने जो ऑफर दिया, राहुल ने क्या किया था? ऑफर ही तो दिया ना, शुड आई बाय यू मोर चॉकलेट्स वाइट लेटर के थ्रू। तो उसका जो कम्युनिकेशन है, मतलब हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर में पढ़ा था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, याद है आप सबको? हाँ सर याद है। तो वो जो कम्युनिकेशन है, कब मान लिया जाएगा कि एक ऑफर कम्युनिकेट हो चुका, कब माना जाएगा इस केस में कि राहुल ने जो ऑफर दिया भाव्या को, वो भाव्या तक कम्युनिकेट हो चुका? पहला क्वेश्चन। सर आंसर भी बता दीजिए। नहीं, पहला क्वेश्चन अभी सर ध्यान से क्वेश्चन सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हेन विल बी द ऑफर गिवन बाय द राहुल टू भाव्या विल बी कम्युनिकेटेड टू भाव्या। व्हेन विल द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय राहुल टू भाव्या इन द वाइट लेटर विल बी कंप्लीटेड। समझ आ गया पहला क्वेश्चन? लिखना कुछ नहीं है आपको, बस सुनना है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर, आप मुझे पूछेंगे सर अगर ऑफर में ऐसा था लीगल रूल्स दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सर ऐसा एक्सेप्टेंस में भी लीगल रूल है क्या दैट एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड? आप तो स्मार्ट हो रहे हो, हैं? एकदम सही हो। अगर ऑफर कम्युनिकेट होता है तभी एक वैलिड ऑफर होता है, तो अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस होता है। हम ये लीगल रूल्स में पढ़ेंगे अभी दो तीन कॉन्सेप्ट पर, मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास की पहला टॉपिक यही होगा, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर तो आप अभी हमें क्यों बता रहे हैं ये चीज, हम तो कल पढ़ेंगे लीगल रूल्स में। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये एक लीगल रूल है। चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपने अपनी क्रश को प्रपोज किया, आपने ऑफर किया आई लव यू, आई लव यू। क्रश ने कहा मैं सोच के बताऊंगी, और क्रश ने अपने दिमाग में ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है आई लव यू टू। लेकिन क्रश ने अब तक बताया ही नहीं, क्रश ने अब तक आपको बताया ही नहीं कि मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो क्रश ने बताया ही नहीं, तो क्या ये एक अग्रीमेंट हुआ? क्या प्यार का अग्रीमेंट हुआ? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ अब तक। पर एन एक्सेप्टेंस बोथ शुड बी कम्युनिकेटेड। समझ आ गया ये चीज? हाँ सर, ये चीज तो क्लियर है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देन ओनली इट विल गिव राइज टू अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एंड व्हेन बोथ आर कम्युनिकेटेड देन इट विल गिव राइज टू एन अग्रीमेंट। सर यहां तक तो समझ आ गया। तो दो क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय राहुल टू भाव्या विल बी कम्प्लीटेड, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय भाव्या टू राहुल विल बी कम्प्लीटेड, सेकेंड क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो लिख के भी रख लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मान लो कि इस एग्जाम्पल में राहुल जब लेटर पोस्ट कर दिया वाइट लेटर जब पोस्ट कर दिया राहुल, तो याद आया यार उसके पास तो पैसे ही नहीं है, इस वीक के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। तो अगर भाव्या ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो पैसे कहाँ से लेके आएगा? तो वो चाहता था वो जो ऑफर दे रहा है या फिर पोस्ट कर चुका उसको रोक ले, क्या कर ले? रोक ले, मतलब भाव्या तक, भाव्या उसको एक्सेप्ट ना कर पाए उसके पहले ही रोक ले, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो वो अग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट तो तोड़ नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सर ये तो सोशल ऑब्लिगेशंस है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना। मान लो कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, अज्यूम दैट इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर अग्रीमेंट बन गया तो आप
को तोड़ेंगे, तो अगर आप नहीं देते हैं चॉकलेट्स, राहुल चॉकलेट्स नहीं देता है, तो इसका मतलब वो अग्रीमेंट तोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, उसके अगेंस्ट भाव्या केस कर सकती है, मान लो। तो मैं, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि राहुल अपना ऑफर वापस कब तक ले सकता है, जो ऑलरेडी उसने व्हाइट लेटर में ऑफर दे के पोस्ट कर चुका है, वो ऑफर राहुल कब तक वापस ले सकता है। व्हेन कैन द ऑफर, व्हेन कैन द ऑफर, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन कैन द ऑफर गिवन बाय राहुल टू भाव्या कैन बी रिवोक्ड बाय राहुल, कैन बी रिवोक्ड बाय राहुल। रिवोक्ड मतलब क्या सर? रिवोक मतलब रोकना, किसी चीज को करने से रोकना। सर आपने तो कहा एब्सेंट का मीनिंग रोकना, हाँ एब्सेंट का मीनिंग भी रोकना होता है। रिवोक मतलब वापस बुलाना, रिवोक, रिवोक रोकना, किसी चीज को रोकना, एब्सेंट का मतलब भी रोकना होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिवोक। रिवोक मतलब क्या बच्चों? रोकना। आप एक ऑफर दे रहे थे, बीच में आपको कुछ याद है, अरे नहीं नहीं नहीं, तो आप ऑफर रोक दिए, नहीं नहीं ये ऑफर मैं दूंगा नहीं, ठीक है। आप सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, साहिल सर मेरे को कार बेचने का ऑफर दे रहे थे, जब वो साहिल सर मान लो फोन पे नहीं, फोन पे नहीं कैसे नहीं, लेटर से ऑफर दे रहे थे, फिर साहिल सर को एक ऑफर मिल गया कि 40,000 में, साहिल सर मेरे को 30,000 में कार दे रहे थे, साहिल सर को और एक कहीं से ऑफर मिल गया कि 40,000 में मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो क्या आप बोलो बच्चों साहिल सर वो कार मुझे बेचेंगे 30,000 में? नहीं, तो 40,000 मिल रही है कार की, तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो ऑफर रिवोक करना पड़ेगा। इससे पहले, किससे पहले रिवोक करना पड़ेगा? मैं एक्सेप्ट कर लूं उससे पहले रिवोक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, समझ आया? तो थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि व्हेन एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, व्हेन ऑफर बाय राहुल टू भाव्या कैन बी रिवोक्ड। तीन क्वेश्चन हमने देख लिया। सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय राहुल टू भाव्या विल बी कंप्लीटेड, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय भाव्या टू राहुल विल बी कम्युनिकेटेड, थर्ड में मैंने पूछा व्हेन ऑफर बाय राहुल टू भाव्या कैन बी रिवोक्ड, फोर्थ में मैं पूछता हूँ सर आप, सर हमें पता है आप क्या पूछने वाले, व्हेन एक्सेप्टेंस बाय भाव्या टू राहुल कैन बी रिवोक्ड। चार क्वेश्चन है, चलो ये चार क्वेश्चन हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दो मिनट आप स्टोरी सुनेंगे। अभी अभी के ज़माने में क्या होता है कि आप जो भी ऑफर करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप फोन्स पे करते हैं, ईमेल्स पे करते हैं, ये सारी चीज़ें टेलेक्स पे करते हैं, ये सारी चीज़ों पे करते हैं, मोस्ट नॉर्मली फोन्स पे करते हैं, या फिर वीडियो चैट करते हैं, या फिर टाइप चैट करते हैं, ये सारी चीज़ों पे आप ऑफर देते हैं और एक्सेप्टेंस देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, फोन जो चीज़ है, फोन पे अगर आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो तो ये तो एट दैट टाइम ही ऑफर कम्युनिकेट हो जा रहा है, एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जा रहा है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है। तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ, क्या ऐसा कोई सवाल उठता है? नहीं सर, आपने इधर से बोला, मैंने उधर से सुन लिया, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया, मैंने उधर से हाँ बोला, आपने इधर से सुन लिया, तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो गया। सर क्या हम इसमें एक्सेप्टेंस और ऑफर रिवोक कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं? नहीं, कैसे रोक सकते हो? आपने इधर बोला हेलो तू मेरी कार खरीदेगा, उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया, तो आप नहीं कर सकते ऑफर रिवोक। उसने हाँ बोल दिया और आपने सुन लिया, तो उस वो भी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो चुका। लेकिन एक चीज मैं इसमें बता दूं, जब आपने कहा तू मेरी कार खरीदेगा और उसके हाँ बोलने से पहले, उसके हाँ बोलने से पहले अगर आपने कहा नहीं 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 मैं तेरे को अपनी कार नहीं बेचूंगा, मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ, तब आप रिवोक कर सकते हो। सिर्फ ऑफर रिवोक हो सकता है। जब एक टेलीफोनिक ट्रांजैक्शन आप करते हो तो आपने कॉल किया हेलो क्या तू मेरी कार खरीदेगा, और उसने सुन लिया, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया, सवाल ही खत्म। फिर अगर उसने उसके हाँ बोलने से पहले आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तेरे को कार नहीं बेचूंगा, मैं अपने ऑफर वापस लेता हूँ, तब आपने ऑफर रिवोक कर दिया। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? तो सबसे पहले आपने कॉल किया और बोला हेलो तू मेरी कार कर देगा, तो उसने सुन लिया, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया। अगर उसने हाँ बोल दिया, तुरंत ही हाँ बोल दिया, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो गया। आपने सुन लिया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता। एक बार उसने हाँ बोल दिया, आपने सुन लिया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका, तो वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन आप जब कॉल करके बोले तू मेरी कार कर देगा और उसने सोचा हाँ बोलने से पहले अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं तेरे को कार नहीं बेचूंगा, तो ऑफर रिवोक हो गया। समझ आ गया? सर बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब चीज़।
कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बस ये बोलूंगा, अभी जो मैंने आपको फोन पे बात बताई ये आप एक बार भूल जाइए। तो याद रखिए कि फोन पे ऑफर और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट एट द सेम टाइम होता है, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन गैप कब आती है? जब आप किसी लेटर से भेज रहे हो चीजें। मान लो जो राहुल है दिल्ली में है, चॉकलेट लेके वो दिल्ली भाग गया था चॉकलेट छीन के, ये जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे है गुजरात, समझ आया? भाव्या गुजरात में है, राहुल दिल्ली में, और इनके पास फोन नहीं है। 1990s का समय है, तो ये लेटर में पोस्ट करते हैं। सर 1990s की बात अभी हम क्यों कर रहे हैं बेटा? ये एक्ट कब बना था? 1872 में बना था, तो उस जमाने का लॉ है, अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, मैंने आपको कहा था ना। तो हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और कभी कभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, कभी कभी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में पास करोगे तभी तो सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे। जरूरी थोड़ी है सारी चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, कुछ कुछ चीजें अप्लाई करोगे, कुछ कुछ नहीं करोगे, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा ना। ओके, तो सबसे पहला मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखो मैं आपको बता दिया कि फोन वोन के चक्कर में ऑफर और एक्सेप्टेंस एट द रियल टाइम कम्युनिकेट हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब दो लोग दो अलग अलग जगह पे हैं और लेटर से कम्युनिकेट करते हैं, लेटर से कम्युनिकेट करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम आती है, तब जाके क्वेश्चन आता है सर ऑफर कब कंप्लीट होगा, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, क्या सर ऑफर रिवोक हो सकता है, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। तो ये चार क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। सर हम रख लेंगे दिमाग में। तो सबसे पहले ऑफर कंप्लीट कब होता है, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? सर सर ये क्या पूछ रहे हैं आप? ऑब्वियसली सर जब व्हाइट लेटर भाव्या के पास पहुंचेगा, जब व्हाइट लेटर भाव्या के पास पहुंचेगा तब हम मान लेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुका। सर क्या? व्हेन व्हाइट लेटर इस भाव्या, When white letter reaches Bhavya, सर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लीगल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? बच्चों आगे मैं लीगल टेक्स्ट दे रखा हूँ उसमें पढ़ेंगे। नहीं सर अभी आप मुझे बताइए कि लीगल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लीगल टेक्स्ट में लिखा हुआ है एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कम्प्लीट। आपको लिखना नहीं, आपको बस ध्यान से सुनना है क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़। अभी तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर एक चीज पढ़ने वाले। एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कम्प्लीट वेन इट कम्स, when it comes to the knowledge of the person, when it comes to the knowledge of the person to whom such offer is made, मतलब जब जिस person को हमने offer किया है, यानी कि offeree, यहाँ पे offeree कौन है? भाव्या। यहाँ पे offeree कौन है? offeree कौन है? भाव्या। offerer कौन है? राहुल। when it comes to the knowledge of the person to whom such offer is made, जब भाव्या के नॉलेज में आएगा कि ऐसा कोई लेटर मेरे को मिल गया है, जब उसको लेटर मिल जाएगा उसके नॉलेज में आएगा तब माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट होगा। सर ये तो इजी था, तो लीगल टेक्स्ट भी आपको याद हो गया? हाँ सर याद आ गया। और एक बार बोलूं सर? हाँ सर, हाँ बोलो बोलो बच्चों। सर व्हेन एन ऑफर इज डीम्ड टू हैव बीन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज डीम्ड टू बी कम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम सच ऑफर इज मेड। वाह बच्चों वाह, अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश शाबाश। ओके सर हमने एक चीज तो देख ली ऑफर कब कंप्लीट होता है। सर और एक चीज, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है मतलब बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? इधर लिख देता हूं यार मैं, मेरे को मारोगे, आपने गलत पढ़ा दिया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? ठीक है सर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? चलो इसको मैं इधर बता देता हूं एक बार। सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? सर ये तो बहुत इजी है, आपने अभी तो बताया व्हेन इट कम, ऑफर कब, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। सर तो वैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू हुम सच एक्सेप्टेंस इज मेड। सर सिंपल है ना? नहीं बच्चों नहीं, आपकी सोच ठीक है लेकिन लॉ ऐसे ड्राफ्ट नहीं किया जाता, लॉ और कुछ सोच के ड्राफ्ट किया जाता है।
मैंने आपको एक चीज की कही थी, रिवोक वाली, रिवोक। अगर अगर सिर्फ ऐसा होता कि एक्सेप्टेंस जब जिसको दे रहे हैं उस तक पहुंचने तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड माना जाता तो रिवोकेशन में प्रॉब्लम आ जाती। मैं आपको क्या कहा था कि मान लो इस एग्जांपल में राहुल कब रिवोक कर सकता है लेटर, जब भाव्या ने एक्सेप्टेंस दिया उससे पहले राहुल रिवोक कर सकता है। भाव्या ने एक्सेप्टेंस कब दिया, जब भाव्या ने वो लेटर लिखा और पोस्ट किया, जब भाव्या ने वो लेटर लिखा और पोस्ट किया तब माना जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया राहुल के ऑफर को। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, अभी तक तो राहुल के पास लेटर पहुंचा ही नहीं है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो ब्लैक लेटर है वो तो राहुल के पास पहुंचा ही नहीं है। हाँ, इसके पीछे ये रीजन है कि भाव्या जब वो लेटर लिख के पोस्ट कर देती है तो वो जो अपना एक्सेप्टेंस है वो वापस नहीं विड्रॉ कर सकती। मतलब वो जो लेटर उसने पोस्ट कर दिया, क्या वो वापस मंगवा सकती है वो लेटर? नहीं, वो तो एक बार पोस्ट हो गया तो वो चला गया। थोड़ी गुजरात से दिल्ली फ्लाइट जा रही है, भाव्या के लेटर लेके वो भाव्या ऐसे फ्लाइट को पकड़ के नीचे लेगी? नहीं ना। तो इसलिए एक्सेप्टेंस में हम दो चीजें देखते हैं। हमेशा याद रखना, एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवोकेशन पे बेस्ड है। राहुल अपना ऑफर रिवोक कब कर सकता है? भाव्या के एक्सेप्टेंस के पहले। भाव्या का एक्सेप्टेंस कब होता है? जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया, जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया। और भाव्या अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकती है? जब राहुल तक लेटर पहुंचे उसके पहले। मतलब भाव्या ने जब पोस्ट किया तो राहुल के लिए वो एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन भाव्या के लिए एक्सेप्टेंस कब खत्म होगा? जब राहुल तक वो पोस्ट पहुंचेगा, वो लेटर पहुंचेगा, तब भाव्या के लिए एक्सेप्टेंस खत्म होगा। का मतलब क्या सर? मतलब भाव्या कब तक रिवोक कर सकती है अपना एक्सेप्टेंस? जब तक उसको वो लेटर पहुंचे ना, जब तक राहुल को वो लेटर मिले ना। ये रिवोकेशन वाला हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला ही है। मैं बस आपको इतना याद कराना चाहता हूं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट जो होता है दो तरीके से होता है, एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एग्जाम्पल्स लेंगे हम अच्छे अच्छे, ये तो बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझाने के लिए, अब तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे। एज अगेंस्ट प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट प्रपोजर कब? सर, व्हेन लेटर इज पोस्टेड, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब होगा? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस reaches offerer, and letter of acceptance reaches offerer। सर सर हमें ना अच्छे अच्छे examples दीजिए। ठीक है बच्चों, एक बार मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? When it comes to the knowledge of the person to whom such offer is made। मतलब जब भाव्या के नॉलेज में आएगा तब माना जाएगा कि राहुल ने जो ऑफर दिया वो कम्युनिकेट हो चुका है। समझ आ गया? सर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? सर इसमें हम दो चीजें देखेंगे, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। सर प्रपोजर कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफर के डेफिनेशन में। प्रपोजर कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफर के डेफिनेशन में कि प्रपोजर यहां पे राहुल है, जो ऑफर करता है वो प्रपोजर होता है। एक्सेप्टर कौन है? भाव्या है। मतलब राहुल के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब भाव्या वो लेटर पोस्ट कर देती है तब राहुल के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अब भाव्या के हाथ में पावर नहीं है कि वो लेटर वापस बुला ले एक्सेप्टेंस का। तो एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब राहुल के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना गया। अब भाव्या के हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस, वो सेम लेटर वो वापस बुला ले। क्या सर भाव्या रिवोक कर सकती है अपने एक्सेप्टेंस? कब तक कर सकती है? जब तक वो जो लेटर है वो राहुल तक नहीं पहुंच जाता। सर लेकिन आपने तो कहा वो लेटर वो वापस नहीं बुला सकती। हाँ बच्चों, वो सेम लेटर वो वापस नहीं बुला सकती, लेकिन और एक लेटर तो पोस्ट कर सकती है। मान लो कि वो लेटर उसने जनरल पोस्ट में भेजा था जिसमें 7 दिन लगेंगे राहुल तक पहुंचने में, और आज ही उसने पोस्ट किया, फिर उसको याद आया नहीं नहीं मेरे को चॉकलेट्स नहीं चाहिए, तो उसने स्पीड पोस्ट में और एक लेटर डाल दिया कि मेरे को राहुल चॉकलेट्स नहीं चाहिए, और वो भी पोस्ट कर दिया।
क्या उसने वो सेम लेटर वापस बुलाया? एक्सेप्टेंस, राहुल के लिए तो एक्सेप्टेंस हो चुका है। क्या उसने वो सेम लेटर वापस बुलाया? नहीं, लेकिन उसने और एक स्पीड पोस्ट कर दिया जो 3 दिन में पहुंच जाएगा। का मतलब इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता भाव्या के लिए? जब वो लेटर पहुंच जाता राहुल तक। लेकिन राहुल तक लेटर कब पहुंचेगा? 7 दिन बाद पहुंचेगा। लेकिन ये जो रिवोकेशन वाला लेटर है कब पहुंचेगा? 3 दिन बाद पहुंचेगा। तो रिवोकेशन पहले कम्युनिकेट होगा और एक्सेप्टेंस इनवैलिड माना जाएगा। समझ आ गया सर? थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ बच्चों, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, लेकिन यही लॉ है। आपको एकदम खुले दिमाग से सोचना है, ठीक है सर? आप एग्जांपल लीजिए ना सर। ओके, एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ चलो, हम ऐसे नंबर लाइन वाला एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल लेंगे? नंबर लाइन वाला। ठीक है, अब डेट्स लेके हम एग्जांपल लेंगे। 10th जुलाई, मान लो 10th जुलाई, ठीक है। तो 10 जुलाई को ऑफर, और ये सिर्फ हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, टेलीफोन वगैरह में कुछ नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट देना, पोस्ट बाय पोस्ट। तो यहां पे ऑफर लेटर पोस्ट, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद 12th जुलाई को टीचर्स ऑफरी, मेरे साथ साथ आप बनाते जाइए, कॉपी में बनाइए या फिर बुक में, मैंने आपका जगह छोड़ा है। जब लीगल टेक्स्ट है उसके बाद देखना, थोड़ी सी जगह है उसमें, ये बनाने के लिए मैंने जगह छोड़ा है, पर उस उधर लिख लीजिए। टीचर्स ऑफरी 12 जुलाई को वो ऑफरी तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर 17th जुलाई, क्या है 17th जुलाई, पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या हुआ, 10 जुलाई को जिसने ऑफर किया, प्रपोजर ने, वो अपना ऑफर लेटर पोस्ट किया। 12 जुलाई को ऑफर लेटर ऑफरी के पास पहुंच गया, मतलब भाव्या के पास पहुंच गया लेटर। 17 जुलाई को भाव्या ने लेटर एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया, पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्ट। उसके बाद 19 जुलाई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड प्रपोजर, लेटर ऑफ प्रपोजर, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ सर, हाँ। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हमारा पहला क्वेश्चन था कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है। पेन चेंज कर लूँ मैं? हाँ सर जरूर, हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो ऑफर कब कंप्लीट होता है? सर आपने ही कहा था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स इट। तो सर क्या 10 जुलाई को ऑफर कंप्लीट हो रहा है? नहीं, 10 जुलाई को तो वो पहुंचा ही नहीं था ऑफरी के पास। तो सर कब कंप्लीट हो रहा है? 12 जुलाई को। तो यहां पे मेरे साथ लिखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ पर इज कंप्लीट। सर 12 जुलाई को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ, 12 जुलाई को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ, ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। सर फिर हमने एक्सेप्टर में दो चीज, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन था उसमें दो चीजें पढ़ी थी कि पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है तो सर उस दिन क्या होता है, क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है किसी के लिए? हाँ, जिस दिन उसने लेटर पोस्ट किया, मतलब 17th जुलाई को उसने जब लेटर पोस्ट किया, भाव्या ने जब लेटर पोस्ट किया, सो दैट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, सो दैट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन, मेरे साथ लिखिए कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस
एज अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट प्रपोजर, मतलब हमारे वाले एग्जाम्पल में राहुल। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों होता है सर? सर इसका रीजन ये है, एक बार, कॉज चैप्टर तब भाव्या, मेरे साथ साथ लिखिए, आपको सब कुछ तब भाव्या आउट ऑफ द पावर टू विड्रॉ द सेम, बिकॉज एक्सेप्टर मतलब भाव्या आउट ऑफ द पावर विड्रॉ द सेम। सर समझ आ गया, हमें समझ आ गया, मतलब राहुल के लिए, प्रपोजर के लिए कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया है माना जाएगा, जब भाव्या ने लेटर पोस्ट कर दिया, जब एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार लेटर पोस्ट कर दिया तो वो आउट ऑफ द पावर हो गई, भाव्या आउट ऑफ द पावर हो गई, अब उसके पावर में नहीं है कि वो लेटर रोक सके। विड्रॉ द सेम, सेम लिखा हुआ है, सेम वर्ड पे फोकस करना, मतलब वही सेम लेटर वो विड्रॉ नहीं कर सकती। क्या ऐसा है कि वो रिवोक नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन और एक लेटर उसको पोस्ट करना पड़ेगा रिवोकेशन के लिए, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगा दोनों के लिए, भाव्या के लिए भी, तब रिवोक नहीं हो सकता। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता। समझ आ गया? चलो ये एग्जाम्पल कंप्लीट करता हूं, फिर मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा, ठीक है? सर मान लिया 17 जुलाई को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एज अगेंस्ट प्रपोजर हो गया। चलो सही सही है। सर 19 जुलाई को क्या होगा बच्चों? 19 जुलाई को जो लेटर है वो राहुल को पहुंच गया, तो अब एक्सेप्टेंस पूरा कम्युनिकेट हो चुका, अब भाव्या रिवोक नहीं कर सकती, मतलब भाव्या के लिए भी अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है, का मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यहाँ पे कौन है? भाव्या। ओके सर, हमें एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे समझ आ गया। सर 10 जुलाई को लेटर पोस्ट हुआ, 12 जुलाई को वो ऑफरी के पास पहुंच गया, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। फिर 17 जुलाई को उसने, भाव्या ने लेटर एक्सेप्ट किया और पोस्ट कर दिया, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, मतलब राहुल के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया। क्यों? बिकॉज भाव्या विल बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द लेटर टू विड्रॉ द सेम, आउट ऑफ द पावर टू विड्रॉ द सेम एक्सेप्टेंस, अब वो विड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन क्या वो रिवोक कर सकती है? हाँ, वो और एक लेटर डाल के रिवोक कर सकती है, लेकिन सर कब तक रिवोक कर सकती है? जब तक वो एक्सेप्टेंस का जो पहला लेटर है वो राहुल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक। अगर पहुंच गया तो सर क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब भाव्या के लिए भी वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा और एक अग्रीमेंट बन जाएगा, और अगर वो लीगल है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। सर आप कुछ रिवोकेशन वगैरह की भी बात कर रहे थे, हाँ हाँ बता रहा हूँ सर, इसमें ही देख लेंगे एग्जाम्पल में। हाँ बच्चों इसमें ही देख लेते हैं, चलो अलग कलर ले लूँ सर, हाँ ग्रीन कलर ले लें। तो बच्चों अब देखो, राहुल जो ऑफरर है, राहुल जो ऑफरर है वो अपना जो ऑफर है वो कब तक रिवोक कर सकता है, मतलब कब तक वापस बुला सकता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है? मैं इधर ये नहीं बोल रहा कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक कम्युनिकेट होना चाहिए, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि कब तक, किस चीज के पहले तक आप अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपने विड्रॉ नहीं किया है, आप कब तक कर सकते हैं? आप करेंगे फिर वो वैलिड होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, इसके बाद वाला टॉपिक है। अब मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूं कि कब तक आप एक ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। सर राहुल कब तक कर सकता है? सर ऑब्वियसली सर, अगर आप ऑफर दे रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के पहले तक विड्रॉ कर सकते हैं। सर एक्सेप्टेंस किसके लिए? ऑब्वियसली राहुल के लिए। ऑफर किसने दिया? राहुल ने दिया। विड्रॉ कौन करेगा? राहुल करेगा।
तो एक्सेप्टेंस किसके एक्सेप्टेंस के पहले विड्रॉ कर सकता है, मतलब राहुल के अगेंस्ट जो एक्सेप्टेंस है के पहले वो विड्रॉ कर सकता है। तो सर कहां तक विड्रॉ कर सकता है? सर वो 17th जुलाई तक विड्रॉ कर सकता है। मतलब सर राहुल के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब भाव्या ने वो लेटर पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस लिख के पोस्ट कर दिया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर टू विड्रॉ द सेम, तब राहुल के लिए एक्सेप्टेंस हो गया। तो उसके पहले कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है, रिवोक कर सकता है, रिवोक ऑफ। सर समझ आ गया? सर समझ आ गया। और एग्जांपल देंगे बच्चों, और एग्जांपल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उसके बाद सर ऑफर तो रिवोक हो गया, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है? हाँ सर रिवोक हो सकता है। सर कब तक हो सकता है? सर सिंपल है, जब तक भाव्या जी ने जो लेटर डाला वो राहुल तक नहीं पहुंच जाता, मतलब जब तक भाव्या के अगेंस्ट वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब भाव्या के लिए जब तक वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। भाव्या के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब राहुल के पास वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगा, तब तक उसके पहले वो विड्रॉ कर सकती है, रिवोक कर सकती है। हाँ सर कर सकती है, मतलब सेम लेटर विड्रॉ नहीं कर सकती, कोई और एक लेटर डाल के या फिर कोई और तरीके से फोन करके या कुछ भी करके अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकती है। मजा आ गया मेरे को। तो 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकती है, रिवोक। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। आ गया हाँ बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फिर एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। बच्चों मैं बताता हूँ, जब आप एक स्टोरी है, अच्छी स्टोरी आप सुनो। जब आप छोटे थे तो आप दिवाली के टाइम पे कोई कोई पटाखे फटते नहीं थे, लाइक खराब हो जाते थे या फिर धूप में सूखे नहीं होते थे। तो उसके भीतर जो बारूद होता था, बारूद क्या बोलते हैं इसको, गन पाउडर ले लो, बारूद, ठीक है। तो आपने ऐसा किया है, सारे बारूद को पेपर में इकट्ठा करके फिर माचिस लेके जलाते थे, बड़ा मजा आता था, आपने किया है? हाँ सर हमने तो बहुत बार किया है। तो बस, तो आप अगर एक माचिस जला देते हैं और उसको लगा देते हैं बारूद में आग, तो वो जलेगा ही जलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। सर तो इससे हमारा क्या लेना देना, आप ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक बार एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तो आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते, ठीक। अगर एक बार बारूद में आग लग गई तो वो जलेगी ही जलेगी, वो एक अग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा, तो आप वापस नहीं ले सकते। समझ आ गया? सर ये तो बहुत अच्छा था, मजा आ गया। इसके बारे में हम एक्सेप्टेंस का जो टॉपिक है जो हम कल सुबह शुरू करने वाले हैं वो और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? हाँ सर हमने ले लिया। तो बच्चों आपको पहला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन इट इज कंप्लीट, ये तो आपको समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ऑफर के लिए व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जब वो उस बंदे के पास पहुंचता है तब वो माना जाता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सर एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए सर दो चीजें देखते हैं। दो चीजें सर क्यों देखते हैं? क्योंकि सर ये रिवोकेशन से लिंक्ड है। सर रिवोकेशन से लिंक्ड है मतलब सर एक बंदा जो ऑफर करता है वो कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता। सर उसका ऑफर कब तक एक्सेप्ट होता है? जब वो सामने वाला लेटर पोस्ट कर देता है तब तक उसका ऑफर एक्सेप्ट हो मान लिया जाता है कि उसके लिए ऑफर एक्सेप्ट होता है, तो तब तक वो रिवोक कर सकता है। और सर एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है? जब जो लेटर पोस्ट हुआ और वो पहुंचा नहीं है, जब प्रपोजर तक पहुंचने से पहले वो एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। सर तो इससे क्या रिलेटेड है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? सर इसी पे बेस्ड है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक ही होता तो फिर हमें रिवोकेशन में डिफिकल्टी हो जाती। तो अगर मान लो कि हम एक्सेप्टेंस ऐसे कर लेते कि व्हेन इट रीचेस द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तब तक ही एक्सेप्टेंस होगा, उसके पहले आप रिवोक कर सकते हो। तो ऑफर भी रिवोक हो सकता था, ऑफर जो है वो भी रिवोक हो सकता था एक्सेप्टेंस से पहले। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको बढ़िया से समझ आएगा, थोड़ा सा एग्जांपल है, ठीक है। अब मान लो आपके हिसाब से, एक बार भूल जाओ आपने जो पढ़ा,
टेंथ ये ऑफर रीच हुआ, ऑफर रीच, तो ये तो आपको पता है कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है सर, हाँ ये तो पता है। टेंथ एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ, और ये सिर्फ लेटर के केस में हम पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस पोस्टेड। 28th को क्या होता, एक्सेप्टेंस रीच्ड, अब ऑफर का तो हमें पूरा श्योर है हम कि सर ऑफर जब पहुंचेगा तभी ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। हाँ सर ये तो ठीक है, ये पेन तो तभी ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है सर ये तो ठीक है। अगर मान लो एक्सेप्टेंस के साथ भी ऐसा होता कि जब ये एक्सेप्टेंस पहुंचता मतलब 28th को तभी कंप्लीट माना जाता, तो सर कब तक रिवोक कर सकते थे, ऑफर कब तक रिवोक कर सकते थे? सर ऑफर भी हम 28th तक रिवोक कर सकते थे, और एक्सेप्टेंस 15 से लेकर 20 तक रिवोक कर सकते थे। अब एक केस सुनो आप, मान लो कि भाव्या ने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया और उसका कोई इरादा नहीं है रिवोक करने का, रिवोक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 20th तक जब तक राहुल के पास लेटर पहुंचता हो सकता है कि राहुल रिवोक कर देता, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है 15 से 20 तक भी वो रिवोक कर सकता है, तो राहुल रिवोक कर देता। तो दोस्तों ये तो गड़बड़ हो जाती ना, राहुल इधर रिवोक कर देता 15 तारीख के बाद, जब भाव्या ने लेटर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है उसके बाद भी राहुल रिवोक कर सकता था, तो ये तो बहुत गलत होता। मतलब मान लो मैंने आपको लेटर भेजा हमारी शादी का, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उस दिन पोस्ट कर दिया, अब तो आपने सोचा कि हाँ हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरे और विशाल की तो शादी होके ही रहेगी, और आपने उसी दिन सारे कार्ड छपवा लिए, मिठाई का ऑर्डर दे दिया, मंडप देख लिया, वेन्यू देख लिया, मेन्यू देख लिया, सब कुछ देख लिया, एंड 16th को मैंने फिर से पोस्ट कर दिया कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों 10th, 15th, तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं हो जाता, एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं हो जाता। जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है उस दिन मान लिया जाता है कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है उस दिन मान लिया जाता है कि ऑफरर के लिए, जो इसने ऑफर किया था उसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सर तो इस एक्सेप्टर के लिए कब कम्युनिकेट होता है, सर यहाँ पे होता है जब तक लेटर 20th मतलब जब तक लेटर पहुंचता नहीं उसके पहले एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट रिवोक कर सकते हैं। तो सर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जिस दिन लेटर पोस्ट हो जाता है, जिस दिन लेटर पहुंच जाता है सामने वाले के पास, मतलब जिसने ऑफर किया था उसको एक्सेप्टेंस का लेटर जब पहुंच जाता है तब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाता है एक्सेप्टर के लिए। मजा आया दोस्तों, आपको रीजन पता चला इसके भी पीछे का लॉजिक क्या था, समझ आ गया? हाँ चलो, तो अब इसमें और एक चीज मेरे को बतानी है, मैंने आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने खत्म कर दिया है, साथ में रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का भी बता दिया है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मैं आपके साथ और एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। आपने ये तो लिख ही लिया होगा, इसी कोई बिता देता हूँ यार, मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। अब मान लीजिए 15th जुलाई
आपको पूरा वापस से ये नंबर चार्ट बनाना है, ये नंबर लाइन बनानी है, लेट ऑफ लेट। अब सेम केस, 10 जुलाई को ऑफर लेटर पोस्ट हुआ, 12 जुलाई को ऑफर लेटर पहुंचा भाविया के पास, लेकिन भाविया के पास पहुंचा लेकिन भाविया ने साइड में रख दिया, पढ़ा नहीं उसको। पढ़ा कब? 15 जुलाई को पढ़ा। पढ़ा कब? 15 जुलाई को पढ़ा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, कब कंप्लीट हुआ ऑफर का कम्युनिकेशन, कब माना जाएगा? जिस दिन पहुंचा यानी कि 12 जुलाई, या फिर जिस दिन उसने लेटर पढ़ा 15 जुलाई। सर ऑब्वियसली लीगल लैंग्वेज में तो लिखा हुआ है ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स इट, टू हुम इट इज मेड, मतलब सर 12 जुलाई को होना चाहिए। तो लीगल टेक्स्ट में तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि उसने उसको पहुंचा तो 12 जुलाई को, लेकिन उसने पढ़ा 15 जुलाई को, तो उसके नॉलेज में कब आया, मतलब उसको उसने कब पढ़ा, जब उसने ऑफर लेटर पढ़ा उस दिन, मतलब दिन माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, देन ऑफ ऑफर इज डेट। समझ आया दोस्तों? द मियर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशियंट, रिसीविंग एंड रीडिंग द लेटर अमाउंट्स टू इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। समझ आ गया सर? हाँ सर समझ आ गया सर, एकदम समझ आ गया सर। लेकिन क्वेश्चन में हमें कैसा पता चलेगा कि उसने किस दिन पढ़ा, क्या पढ़ा? बच्चों वो तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं पता कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि इस दिन मैंने लेटर पढ़ा था, इस दिन मेरे को मिला था, वो मेरे को नहीं पता। लॉ में वो नहीं लिखा हुआ और वो मेरा आज तक कन्फ्यूजन, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आईसीआई के क्वेश्चंस आएंगे, तब उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि उसने उसको इस दिन लेटर मिला और इस दिन उसने पढ़ा। अगर नहीं लिखा हुआ कि उसने, सपोज क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि उसको लेटर मिला इस दिन, और ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसने किस दिन पढ़ा या क्या पढ़ा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप आराम से सिर्फ जिस दिन लेटर रिसीव हुआ उसको ही कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मान लेंगे, मतलब कम्प्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मान लेंगे। समझ आ गया दोस्तों? समझ आ गया। चलो ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। सर सर हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सर हमारा जो ट्रेंड है ना, हम चार्ट बनाएंगे। बच्चों आओ चार्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी बनाएंगे आज चार्ट, ठीक है? बहुत टाइम ले लिया हमने। अब और एक छोटा टॉपिक लेंगे, उसके बाद बाकी सारा कल, क्योंकि आज तो हम टायर्ड हो गए ना चार्ट वगैरह बना के। कोई बात नहीं सर, हम आपके साथ हैं। आप बनाइए सर जितना चार्ट बनाना है आपको, हम आपके साथ हैं सो मच। आज क्या हो गया 1 मिनट को? हाँ ठीक है, तो हम इधर बनाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेंस। मेरे साथ साथ नहीं है आप चार्ट? सबसे पहले ऑफर की बात करते हैं हम। सर हमें तो पता है कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है। हाँ आपको पता है? हाँ सर हमें पता है। सर ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? कंप्लीट व्हेन कम्स नॉलेज ऑफ
सर वो जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की उस वो भी हमने बुक में ड्रॉ कर ली है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बुक में ही ड्रॉ करना था, आपने ड्रॉ कर ली, बहुत सही बात है। चलो उसके बाद हमने हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या है दोस्तों रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ये तो आपने हमें पढ़ा ही दिया है कि प्रपोजर कब रिवोक कर सकता है, कब तक रिवोक कर सकता है, और एक्सेप्टर कब तक रिवोक कर सकता है। सर हाँ, तो सर डायरेक्ट एक बार चार्ट बना के देखें। हाँ बच्चों डायरेक्ट एक बार चार्ट बना दें। सर एक ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है सर, और एक एक्सेप्टेंस कब तक, सर एक एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है के दोस्तों, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है और एक एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है। सर आपने तो कहा था कि एक ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले रिवोक हो सकता है। सर किसके अगेंस्ट एक्सेप्ट होने से पहले, सर ऑफरर के अगेंस्ट, जिसने ऑफर किया, जिसने प्रपोज किया, सर उसके अगेंस्ट कब एक्सेप्ट होता है, जब वो लेटर एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होता है उस दिन एक्सेप्ट होता है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। मतलब बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट, कब बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है सर, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। सर और एक्सेप्टेंस कब हो सकता है, सर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो ऑफरर तक ना पहुंचे तब तक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। मतलब बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। सर ये तो बहुत इजी था सर, एकदम बढ़िया से समझ आ गया। बच्चों ये तो आपने लिख लिया होगा, मेरे साथ एक नंबर लाइन भी ड्रॉ करेंगे आप लोग। क्या ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन कर रहा हूं मैं। हाँ मेरे साथ आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एक, आपके लीगल टेक्स्ट के बाद मैंने खाली छोड़ा है तो उसको हम देखेंगे। 10th जुलाई वही सेम एग्जांपल, फिर 12th जुलाई ठीक है, फिर 17th जुलाई और फिर 19th जुलाई। तो आपको ये अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। 10 जुलाई को आपको याद है सर क्या हुआ था, ऑफर लेटर पोस्ट हुआ था, ऑफर लेटर पोस्टेड। सर 12 जुलाई को क्या हुआ था, ऑफर लेटर पहुंच गया था। सर 17 जुलाई को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हुआ था, एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ था। सर 19 जुलाई को एक्सेप्टेंस पहुंच गया था। तो सर ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, सर बिफोर द लेटर, इधर मैं अंडरलाइन करता हूं, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तब यहां तक 10 जुलाई से लेके 17 जुलाई, मतलब 17 जुलाई के पहले, 17 जुलाई के पहले ऑफर कैन बी रिवोक्ड।
समझ आ रहा है दोस्तों आपको? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। 17 जुलाई के पहले आप कभी भी ऑफर रिवोक कर सकते हैं। कौन रिवोक कर सकता है? ऑब्वियसली जो ऑफर किया है वही रिवोक कर सकता है। सर एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है? बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। सर एक्सेप्टेंस कौन रिवोक करता है? ऑब्वियसली सर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर रिवोक करता है। इसलिए मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ। ऑब्वियसली सर एक्सेप्टर रिवोक करता है। कब तक रिवोक कर सकता है? सर 19 जुलाई से पहले वो रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस। अब बच्चों देखो, हमारा लीगल टेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एक बार आज घर पे ये रीडिंग करके आए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके बाद वाला हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद, मैंने देखो यहाँ पे जगह छोड़ रखी है। ये चीज़ मैं आपको कल आते ही क्लास में बताऊँगा ये क्या है, तो एक बार छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद मैंने ये दिया हुआ है इधर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में आते ही। ये हमारे लीगल टेक्स्ट है, बहुत इजी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बस इसको देखना है। और फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने रिवोकेशन ऑफ ऑफर के लिए एक जगह छोड़ी है जो नंबर लाइन बनाने के लिए। यहाँ पे आपको नंबर लाइन बनाना है और एकदम मस्त आपको पढ़ के आना है, थोड़ा सा रीडिंग मारना है, होमवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल पूरा लीगल टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन लीगल टेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया है वही है लिखा हुआ है, सेम चीज़। आपको अगर कुछ डिफरेंट लगे तो मेरे को बताना। और कल हम आते ही सबसे पहले लीगल टेक्स्ट खत्म करेंगे। 5 मिनट लगेगा हमें ये दोनों का लीगल टेक्स्ट करने के लिए। उसके बाद दो बहुत छोटे टॉपिक